मेरा नाम सुरखाव है। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोविड-19। ए कोविड, शहर शहर देश देश तुम घूम रहे हो, ये आंखें पथरा गई हैं, नजर तो आओ कहाँ हो तुम। जिस शहर से तुम गुजरे हो वह बहार यहाँ भी आई है, खौफजदा चेहरे बता रहे हैं वह तुमसे मिलकर आई है। बगिया भी बदरंग हो गई, दौरे बज्जर क्यों लाए, मौन हो गई वाणी सबकी, ऐसा क्या तुम कह आए। जीवन की कलकल नदियों में जलकुंभ बनके क्यों ठहरे, रिश्तों के नाजुक बंधन पर सांसों पे लगा के तुम पहरे। आधे जीवित आधे मृत हो, परछाई बन छल करते हो, हम सबकी सहन शक्तियों की क्यों कठिन परीक्षा करते हो। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, मर्यादा को निभाएंगे, अनुशासन के इन अस्त्रों से तेरा अस्तित्व मिटाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षप्रीत कौर है। मेरी कविता का शीर्षक है मत निकल मत निकल। ये कविता महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई है। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, करना भूल तू जरा भी ना फिसल। मत निकल मत निकल मत निकल, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बड़ा कदम जरा संभल। मत निकल मत निकल मत निकल, उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल। मत निकल मत निकल मत निकल, संतुलित व्यवहार कर, बंद तूप की वार कर, घर में बैठ इतना भी तू ना मचल। मत निकल मत निकल मत निकल। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अरमान है। मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है करोना। रखो स्वच्छता अब किसी से डरो ना, रखो स्वच्छता अब किसी से डरो ना, बिना काम से आप घूमो फिरो ना, बिना काम से आप घूमो फिरो ना, सुरक्षा सदा प्राथमिक कार्य हो अब, सुरक्षा सदा प्राथमिक कार्य हो अब, प्रसारित नहीं हो सकेगा कोरोना, प्रसारित नहीं हो सकेगा कोरोना। छिपाऊं नहीं व्याधि का शक कभी हो, छिपाऊं नहीं व्याधि का शक कभी हो, स्वध्यान खुद का अकेले धरो ना, स्वध्यान खुद का अकेले धरो ना, सही सूचना दो सबको, सही सूचना दो सबको, डरे बिन विपद विषव की आज मिलकर हरो ना, विपद विषव की आज मिलकर हरो ना। महामारियां प्राण लेती हैं अचानक, महामारियां प्राण लेती हैं अचानक, बिना जानकारी के कभी मत मरो ना, बिना जानकारी के कभी मत मरो ना। अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के चलते आप घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे हैप्पी। नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुदरत का कहर। कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, कुदरत का कहर भी जरूरी था साहेब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं, जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं, वह आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। मशरूफ थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में, मशरूफ थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या खिसकी, सबको ईश्वर याद आ गया। ऐसा भी आएगा वक्त पता नहीं था, ऐसा भी आएगा वक्त पता नहीं था, इंसान डरेगा इंसान से पता ही नहीं था। अंत में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि घर रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जतिन है। मेरी कविता का शीर्षक है यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्तों इस बुरे वक्त से, मायूस ना होना मेरे दोस्तों इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा, कल आज है और आज कल हो जाएगा।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंजदीप है। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना की हार। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें अकेले जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे से हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथों में जाना है, सैनिटाइज करके देश को सुरक्षित बनाना है, बचाव ही इलाज है यह समझाना है, कोरोना से हमें नहीं घबराना है, कोरोना से हमें नहीं घबराना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जुबरास होता है। मेरी कविता का शीर्षक है हिम्मत। ऊंचे पर्वत पे चढ़ के हम नब से बातें कर सकते हैं, ऊंचे पर्वत पे चढ़ के हम नब से बातें कर सकते हैं, हिम्मत की हो अगतुली का, हिम्मत की हो अगतुली का, सपनों में रंग भर सकते हैं, सपनों में रंग भर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सिमरजोत है। मैं आज आपके सामने कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है धन्यवाद। धन्यवाद है उनको जिसने जीवन आसान किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मान दिया है, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी याहो सैनिक वर्दी वाला, दूध सब्जी बिजली पानी याहो टीवी रेडियो पेपर वाला, डाल के खुद को खतरे में जग का सम्मान किया है, धन्यवाद है उनको जिसने जीवन आसान किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति करते हैं, अपने जिद के आगे परेशान सभी को करते हैं, थू-थू ऐसे लोगों का जिसने अपमान किया है, धन्यवाद है उनको जिसने जीवन आसान किया है। मिलकर तोड़े चैन, कोरोना वायरस दूर भगाएं, रहे घरों में हम अपने सबको स्वस्थ बनाएं, पीएम ने भी हम सबकी खातिर ये संकल्प दिया है, धन्यवाद है उनको जिसने जीवन आसान किया है।